Okay. Wishing all a happy Shastri Ji, जिनको Rasputs कहते हैं, and Gandhi Ji, Raspita, जयंती तास दो जयंती जग सकते और दूसरी चीज़ की आई एम कमिंग बैक आफ्टर 3 days, अभी भी बुखार ठीक नहीं है लेकिन फिर भी तो आज आपको मैं NCERT के जो आपका नाम जो रिश्ता इन टेक्स्ट जो आपकी बुक है उनके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा, ओरल भी होंगे और लिखने का। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप NCERT का देखेंगे पेज नंबर 40 में, इट वाज आल्सो केम इन ए बोर्ड एग्जाम। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वेरी फर्स्ट इज आपका नाउ, इसमें लिखा है गिवन एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल विच इट हैज योर 4 parts। फर्स्ट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सेकेंड कैन बी इजिली कट विद ए नाइफ, थर्ड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड द फोर्थ इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो फर्स्ट का जब आप आंसर लिखेंगे तो इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा, मर्करी, दैट्स वेरी फाइन। उसके बाद सेकेंड कैन बी इजिली कट विद ए नाइफ, चाकू से बिल्कुल आप इजीली काट सकते हैं, सोडियम या आपका पोटेशियम, वेरी नाइस आपका नाम। एंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का बेस्ट कंडक्टर ये कॉपर, ब्यूटीफुल, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, दैट्स वेरी फाइन। एंड द फोर्थ वन इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर, आपका पीवी, हैव यू हर्ड द नेम, दैट इज फॉर द लेड। इसका मतलब फिर वो रिएक्टिविटी सीरीज आप अपने दिमाग में रखते जाएगा, कुत्ते ने कहा, मोगली, आजकल, जिंदगी, फटी सी, पुरानी सी, हो गई, कमबख्त, गले मिलकर, आ जाओ तुरंत। केमिकल रिएक्टिविटी इज डिक्रीजिंग, इट इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड इट इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, द पुअर कंडक्टर ऑफ। देन द सेकेंड क्वेश्चन वॉज एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं तो फीवर में हूं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूं। मेलेबल, मेलेबल जहां ये वर्ड आ जाएगा ये याद रखिएगा, इसका मतलब आपका नाम सीधा सीधा आपका नाम थिन शीट, ओके। एंड डक्टाइल जहां आपका आ जाएगा इसका मतलब थिन लॉन्ग वायर, थिंक लॉन्ग या थिंक वायर कर दो, वायर लॉन्ग भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, दो चीजें कीप इन माइंड, इन योर माइंड आप करो। सो इसका मतलब मेलेबल नेचर मींस दैट व्हेन ए सब्सटेंस इज बीटन बाय द हेल्प ऑफ द हैमर इट फॉर्म्स इन ए थिन शीट्स, तो आपका ठीक है, दैट्स कॉल्ड द मेलेबल एंड इट्स प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलेबिलिटी। एंड इसका मतलब द मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेलेबल इन नेचर, मेलेबल इन नेचर, इज इट क्लियर। और व्हेन ए सब्सटेंस इज बीटन एंड ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स, पतली वायर्स के फॉर्म पे आप अगर आपको उसको प्राप्त कर लेते हैं इज कॉल्ड द डक्टाइल। एंड इफ यू वांट टू गिव द एग्जांपल तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। बाकी इसके लिए आपको जो है पूरा पीछे चैप्टर है, इस साल का भी और पिछले साल का भी आप देख लीजिएगा। नाउ अब थर्ड
क्वेश्चन नंबर थर्ड है सर, सबसे ज्यादा मेरे वाले की इसमें कौन से मेटल है इसमें सभी है, ऑलमोस्ट सभी वैसे यूज बेसिकली इनको किया जाता है अपना, जैसे फॉइल पेपर्स वगैरह जो बनाते हैं अपना, टीन आपका आयरन का भी आपका टिन्स वगैरह बनाते हैं, बॉक्सेस वगैरह आपका ना, बड़े बड़े ड्रम्स वगैरह बनाते हैं, तो इसीलिए बोल दिया कि मोस्ट ऑफ द मेटल आर मेलेबल अपन इन नेचर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई सोडियम इज कैप्ट और इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल में क्यों डुबोया जाता है सोडियम को, क्योंकि सोडियम इज a very reactive matter, it reacts with oxygen at room temperature, अगर ये oxodium अगर आपका oxygen के साथ room temperature पर अगर आप क्या करेगा reaction करेगा तो it will form आपका sodium oxide बना देगा, sir sodium also react with moisture और sodium अगर आपका moisture ठीक है ना, देखो मॉइस्चर के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको बना देगा, दो चीजें, व्हेन सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन ए रूम टेम्परेचर इट विल मेक सोडियम ऑक्साइड, एंड व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद अ मॉइस्चर इट विल मेक अ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बना देगा आपका ना, तो ना इसका माना टू प्रोटेक्ट आपका ना सोडियम फ्रॉम आपका ना एयर, एयर का मतलब ऑक्सीजन से है, एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब बेसिकली आपका क्या है वाटर से आपका ना देखो, सो इट इज कैप्ट अंडर, इट इज कैप्ट अंडर कैल्शियम, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका जवाब है, करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका फोर है, राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट आयरन विथ स्टील, एंड सेकेंड है आपका नाम देखो सर कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर, इनका सॉल्यूशन करें, तो नाउ व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम, तो जब आयरन आपका स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो इसके मतलब क्या होता है, व्हाट है क्या होता है, तो नाउ आयरन आपका मेटल है, सॉलिड है, जब ये आपका वाटर, वाटर का मतलब स्टीम के साथ आपका रिएक्ट करेगा, केमिकल रिएक्शन होगी, तो ये क्या बनाएगा आयरन Fe3O4 बनाएगा, दिस इज कॉल्ड द आयरन सेकेंड और थर्ड ऑक्साइड बनाएगा, और ये आपका हाइड्रोजन गैस में भी आपका क्या करेगा, तो व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद अ स्टीम, स्टीम सो नाउ इट विल मेक आयरन आपका थर्ड, मतलब आयरन थर्ड, अब इसको क्या कहते हैं इसको, ये दिस इज कॉल्ड द रेड हॉट स्टीम, रिएक्शन लिखे, नाउ वी हैव टू सी दैट कि हम इसको बैलेंस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, Fe3 है तो 3 हो जाएगा, H2 O4 है इसका मतलब 4 3 हो गया आपका, और उसके बाद 4 H2 4 2 8 4 2 8 ऑक्सीजन के 4 ऑक्सीजन के 4 तो ये आपका हो गया। सेकंड आपका क्या था, पोटेशियम, पोटेशियम आपका पहले आ रहा है, तो देखो पोटेशियम, पोटेशियम जब वाटर के साथ आपका रिएक्ट करेगा ये देखिए आपका ना, इट विल मेक आपका ना KOH, तो ये आपका एक्वस सॉल्यूशन बना देगा,
अब आपका नाम आपको बैलेंस करना है। सॉलिड होगा मेक द इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव और प्लस साथ में इसका आपका हीट एनर्जी भी आपका निकलेगा। ऐसे व्हेन कैल्शियम इज रिएक्ट विद वाटर इट विल मेक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका एक्वासोलेशन होगा एंड इट विल आल्सो रिलीज हाइड्रोजन। कैल्शियम आपका सॉलिड है, ये आपका वाटर है लिक्विड में, इसको आपका नाम प्राइस कर दीजिएगा OH आपका और हाइड्रोजन, बिल्कुल सही हो गया। तो ये आपका गैस हो गया, ये आपका एक्वा सॉल्यूशन हो गया। राइट इक्वेशन फॉर आपका आयरन विद वाटर आपका हो गया एंड कैल्शियम एंड आपका पोटेशियम आपका दोनों ही वाटर के साथ वन विल मेक कैल्शियम आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लीज़